हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक शीट मास्क का रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम नायका, नायका पर्ल प्लस हेलुरोनिक एसिड फॉर फर्म प्लस ब्राइटन स्किन। यू कैन सी दिस इज द न्यू वेरिएंट, आई थिंक सो। एंड नायका के जितने भी शीट मास्क हैं, पहले उन्होंने 10 वेरिएंट्स इन्होंने निकाले थे, उसके बाद 10 फिर से निकाले हैं। सो मेरे पास 20 शीट मास्क हैं, तो मैं एक एक करके इनके रिव्यू अपलोड कर रही हूँ मेरे चैनल पर, आप चेक कर लीजिएगा। कुछ के साथ में भी अपलोड किए थे, बट इस बार से मैं एक एक प्रोडक्ट को अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। तो ये जो शीट मास्क है, ये आती है दोस्तों पूरे 100 रुपए की, 20 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ। 3 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है, क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये। और फेरू आपको दिख रही होंगी शीशे में, जी हाँ, शैतानियां कर रही है यहाँ पे। और इंग्रेडिएंट में इसमें वाटर, ग्लिसरिल, हेलुरोनेट एंड कैमोमाइला, सो बहुत सारी चीजें हैं। लाइक देख लीजिए आप यहाँ पर इंग्रेडिएंट में, आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। और अभी मैं इस शीट मास्क को अप्लाई करने वाली हूँ। बेसिकली सिंपली 10 या 15 मिनट तक रखनी होती है शीट मास्क। एंड इसके बारे में जैसा कि यहाँ लिखा है, रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज वर्ल्ड वाइड, पर्ल ब्रिंग्स इट्स एम्पल्स ऑफ vitamins and brightened properties to give you a visible, fairer, radiant skin, regarded as a smart nutrient. Hyaluronic acid creates a protective barrier on the skin and locks in hydration to increase the elasticity of skin. So basically ये skin के लिए बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर जैसा कि लिखा है, दिस पावरफुल पेयर ऑफ इंग्रेडिएंट गिव्स यू अ ग्लोइंग एंड एज डिफाइंग स्किन। सो दोस्तों, ये जो शीट मास्क है, इसको मैं अभी अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। एंड इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा होता है, इसमें से ओपन करना होता है। और इंस्टेंट प्रोडक्ट है ये, लाइक इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। और ट्रैवलिंग में बहुत ही सही चीज़ है, और वेडिंग वगैरह में अगर आप जा रहे हो, तो अगर 5-6 दिन पहले भी जा रहे हो किसी के यहाँ पे, तो आप अपने लिए 5-6 शीट मास्क रख के ले जा सकते हो, अगर किसी को और को भी अप्लाई करना है तभी भी। एंड आप ये देखिए यहाँ से, ये इस तरीके से खूब सारे सेरम से लथपथ है, और इसमें भी और भी है, बट मैं इसे ही अप्लाई करूँगी। और आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन जो है वो लग गया है, एंड सावन के महीने से ही फिर फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं शीट मास्क, और अभी मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। और मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि मैंने अपने बाल नहीं बांधे हैं, तो मैं अभी बांध लेती हूँ। पहले अप्लाई करना पड़ेगा मुझे ये। एक सेकेंड। फेस पैक पहले सब लोग लगाते थे, है ना, फिर शीट मास्क का जमाना आ गया, कोरियन स्किन केयर जब से इंडिया में आ गया, स्पेशली यूट्यूब की वजह से, आई थिंक इस पे क्रांति आ गई है, मुझे ऐसा लगता है, शीट मास्क, है ना। और उसके बाद तो बस फेस पैक भी लगाते हैं लोग, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ जाता है, क्योंकि इसको धो के 2-3 मिनट तक मसाज करके छुटाना नहीं पड़ता, ये इंस्टेंट है। इसको अप्लाई कर लिया एंड देन इसको सूखने दिया, एंड उसके बाद बस हटा दिया, और एक्स्ट्रा सेरम को आप अपनी स्किन में मसाज कर लेते हो, है ना। सो दोस्तों, ये मैंने आई थिंक परफेक्टली तो नहीं, बट अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसे रखूंगी कम से कम 15 मिनट, है ना, ताकि मेरी स्किन नेचुरली जो है वो क्लीन हो सके। ऑलराइट, तो
दोस्तों अब हो गए हैं 15 मिनट और अब मैं रिमूव करने वाली हूँ इसको एंड ये ऑलमोस्ट सूख गया था और आप देख रहे हैं मेरी स्किन जो है वो नरिश्ड हो गई है, ब्राइटन हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट। और ये जो शीट मास्क है इसके अंदर अभी भी और भी ज़्यादा सीरम अवेलेबल है और मैं बहुत ज़्यादा डिम लाइट यानी कि जो रूम की एक लाइट होती है नॉर्मल उसमें बैठी हुई हूँ एंड तभी भी इससे साफ दिख रहा है और आई थिंक डे टाइम में ज्यादा ब्राइटन दिखता, बट इससे लुक जो है वो बहुत सही आया है स्किन का, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज हो गई है और स्किन ने प्रॉपर जो है वो सोख लिया है सेरम को। और आप यहाँ देखिए हल्का हल्का फिर भी अगर मैं हाथ पर अप्लाई करूंगी तो ये आप शाइन देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा इससे लुक आया है। और यदि आपको शीट मास्क अप्लाई करने के बाद ही मेकअप करना हो तो आप कोई मॉइस्चराइजर प्राइमर कुछ मत लगाइए, बस एक कॉटन लीजिए और हल्का सा एक्सेस प्रोडक्ट पोंछ दीजिए एंड या फिर आप प्राइमर अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद बहुत लाइट सा सॉफ्ट मेकअप करिए। आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत लगेगा, फ्लॉलेस लगेगा। सो ओवरऑल मेरा यही कहना है आपके लिए कि आप नायका की ये अनस्टिकी, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और नॉन स्टिकी शीट मास्क जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी है ये। और ये मैंने खुद खरीदी है और मैंने स्टोर से ली थी और इसमें ना बढ़िया ऑफर आता रहता है, लाइक बाई सेवन गेट सेवन का आजकल चल रहा है, तो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो शीट मास्क है इसे जरूर ट्राई करिएगा। आई थिंक ये पहले वाले वेरिएंट से है और इसके नए वेरिएंट्स भी देखना मत भूलिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कौन सी शीट मास्क अच्छी है। देखिए अफोर्डेबल रेंज में मैं कहूँ तो नायका की शीट मास्क बहुत अच्छी है, आप जरूर ट्राई करिएगा। बाय बाय।